मैजिकल जेसीबी रोबोट सायरन हेड रोबोट। उदयपुर नामक गांव में सोनू नाम का एक आदमी रहता था। गांव में बस वही साहसी होने का रोब जमाते रहता था। सबके सामने अपने साहसी होने के किस्से भी बहुत सुनाया करता था। एक दिन सोनू गांव में घूम रहा था। वहां पर श्यामू नाम का एक व्यक्ति रहता है। तभी सोनू उसके पास जाता है। अरे कौन हो भाई, लगता है गाँव में नए आए हो। हाँ हाँ, मेरा नाम श्यामू है, मैं इस गांव में नया हूँ, दूध का व्यापार कर रहा हूँ। और आप क्या करते हो? क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? गांव में कोई भी नया आता है सबसे पहले मेरे बारे में ही सुनता है। अच्छा, आप क्या करते हो? अरे मैं तो खतरों का खिलाड़ी हूँ, साहस के काम करते रहता हूँ। कोई भी अगर खतरे में हो तो उसे तुरंत बचा लेता हूँ। अब तक मैंने बहुत बड़े बड़े साहस कार्य किए हैं। अच्छा, फिर तो आपको बहुत सारे अवार्ड और रिवार्ड भी मिले होंगे। सोनू केवल अवार्ड और रिवार्ड के लिए कोई साहस कार्य नहीं करता। अगर कोई भी तुम्हें खतरा हो तो मुझे बता देना, मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सोनू जी, अब मैं चलता हूँ। इस तरह श्यामू वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह श्यामू दूध लेकर अपनी बाइक पर जंगल से गुजर रहा होता है। जंगल में उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वहां कुछ ही दूर उसे एक सायरन हेड दिखाई देता है। उसे देखकर श्यामू डर के मारे कांपने लगता है और अपनी बाइक को वहीं छोड़कर सोनू के पास दौड़ लगाता है। सोनू भाई मुझे बचा लो, एक अजीब से जानवर ने मेरी बाइक को रोक लिया, किसी भी तरह आप इसका अंत करो, चलो अभी चलते हैं वहाँ। ठीक है, डरो मत, चलो चलते हैं। इस तरह दोनों मिलकर सायरन हेड के पास जाते हैं। उसे देखकर सोनू कहता है, अरे ओ सायरन हेड, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर सायरन हेड आगे बढ़कर सोनू को उठाकर दूर फेंक देता है। बाप रे, ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये तो बहुत खतरनाक है, इसके हाथ लग गए तो हमारे टुकड़े टुकड़े कर देगा, चलो भाग चलते हैं यहाँ से। अरे अरे, आप तो बहुत बहादुर हो ना, आप भी ऐसे डर जाओगे तो कैसे चलेगा, अभी जाकर इसका अंत कर दीजिए। अरे बाप रे, आज से मेरे पूरे साहस कार्य बंद, मेरी जानकारी में एक साइंटिस्ट है, चलो उसके पास चलते हैं, वही कुछ उपाय बताएंगे। फिर दोनों साइंटिस्ट के पास जाते हैं और सारी बात उसे बताते हैं। आप चिंता ना करें, वहाँ एक सायरन हेड है, उसका अंत करना बहुत मुश्किल है। कुछ ही दिन पहले मैंने एक प्रयोग किया था, सायरन हेड का अंत करने के लिए मैंने एक मैजिकल जेसीबी रोबोट बनाया था, अब जाके मुझे एक अच्छा मौका मिला है उसे इस्तेमाल करने। इस तरह साइंटिस्ट मैजिकल जेसीबी रोबोट को उन्हें दिखाता है। उसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार होती है। साइंटिस्ट जी, ये तो बहुत ही भयंकर है, लेकिन क्या ये सायरन हेड से फाइट कर पाएगा? हाँ क्यों नहीं, ये जरूर उससे फाइट करेगा, चलो तुरंत चलते हैं। इस तरह मैजिकल जेसीबी रोबोट को लेकर सायरन हेड के पास जाते हैं। वहां पर सायरन हेड इधर उधर घूमते रहता है। तभी साइंटिस्ट कहता है, ये कोई साधारण सायरन हेड नहीं है, बहुत ही खतरनाक है, फिर भी तुम भागना नहीं, उसका सामना करना और अंत तक टिके रहना, तभी हम विजय हो पाएंगे। इस तरह अपने मैजिकल जेसीबी रोबोट को आज्ञा देता है। वो तुरंत जाकर सायरन हेड पर हमला कर देता है। वो अपनी मैजिकल तलवार से सायरन हेड पर काफी हमले करता है, लेकिन सायरन हेड भी काफी तेज था, वो हर बार मैजिकल जेसीबी रोबोट को चकमा दे देता है। काफी देर लड़ाई होती रहती है और आखिरकार रोबोट सायरन हेड का अंत कर देता है। मैंने जो मैजिकल जेसीबी रोबोट बनाया था वो सक्सेसफुल हो गया, मैं सारी दुनिया में फेमस हो जाऊंगा। हाँ हाँ साइंटिस्ट जी, सच में आप बहुत ही बहादुर हो। चामू, मुझे माफ कर देना दोस्त, मैंने बेकार में ही अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोला था, लेकिन मैं असल में बहादुर नहीं हूँ। नहीं नहीं भाई, ऐसा मत कहो, आखिरकार हम खतरे से बच ही गए, अंत भला तो सब भला।
फिर सब लोग वहां से चले जाते हैं। कंचक एक साइंटिस्ट था जो हासिलपुर गांव में रहता था और रोबोट तैयार किया करता था। उसने गांव की पहाड़ी के पीछे एक जंगल में अपनी प्रयोगशाला बनाई हुई थी। उसने 3 रोबोट तैयार कर लिए थे जो कि अच्छे काम करने के लिए बनाए गए थे। कंचक इन 3 रोबोट्स को देखकर बड़ा खुश था। जैसा सोचा था, मैंने इन 3 रोबोट्स को पूरा कर लिया है, अब मुझे इनका परीक्षण करना होगा। वो इसकी योजना बना ही रहा था कि तभी अजय इसका लैब टेक्नीशियन वहां पर आया। हेलो सर, आज तो आप बड़े खुश लग रहे हो सर। हाँ अजय, मैंने इन 3 रोबोट्स को पूरा कर लिया है और अब मुझे इनका परीक्षण करना है। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो आज। कंचक 3 रोबोट्स को जंगल में ले गया। फिर अजय ने एक जगह पर आग लगाई और एक फायर सिलेंडर वहां छोड़कर वापस आ गया। आग देखते ही एक रोबोट उस तरफ भागा और फायर सिलेंडर की मदद से आग बुझा दी। कंचक को रोबोट का ये काम देखकर खुशी और सफलता का एहसास हुआ। फिर कंचक ने अपना मोबाइल वहीं पड़े एक पत्थर पर छोड़ दिया। जैसे ही अजय वो मोबाइल उठाकर भागने लगा, दूसरे रोबोट ने उसे पकड़ लिया और मोबाइल फोन उससे छीनकर कंचक को दे दिया। इस सफल परीक्षण के बाद कंचक और अजय 3 सुपर रोबोट को वापस लैब में ले आए। धन्यवाद अजय, लैब का ध्यान रखना। मैं शहर के लिए निकल रहा हूँ, गांव में इन रोबोट्स के इस्तेमाल की अनुमति ले। कंचक लैब से निकल गया और अजय आराम करने लगा। तभी वहां पर कंचक का दुश्मन कातिया नाम का आदमी आया। वो अजय से बात करने लगा और लैब में 3 रोबोट्स देखकर उसकी नियत खराब हो गई। उसने अजय को धोखे से बेहोश कर दिया। कंचक, मेरे अलावा रोबोट बनाने की अनुमति और किसी को नहीं मिलनी चाहिए। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखना तुम्हारे 3 रोबोट्स का मैं क्या हाल करता हूँ। कातिया ने ये सोचते हुए उन 3 रोबोट्स के चिप्स बदल दिए और 3 रोबोट्स आपस में लड़ने लगे। तीनों रोबोट्स की भयंकर लड़ाई से लैब की हालत बहुत खराब हो गई। ये देखकर कातिया खुशी खुशी से हंसता हुआ लैब से बाहर निकल गया। जब अजय को होश आया तो उसने 3 रोबोट्स को लड़ते हुए पाया। उसने तुरंत कंचक को फोन किया और सारी बात बताई। अजय की बात सुनकर कंचक शहर का दौरा बीच में छोड़कर तुरंत अपनी लैब में लौट आया। सुपर रोबोट्स को आपस में बेरहमी से लड़ते हुए देखकर वो हैरान रह गया। उसकी लैब पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। अजय ने कंचक को कातिया के वहां आने के बारे में बताया। अब अगर चिप्स को बदलना था तो 3 रोबोट्स को शांत करके बंद करने की आवश्यकता थी। उसमें काफी खतरा था, लेकिन फिर भी कंचक उन रोबोट्स के पास, लेकिन एक रोबोट ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया। कंचक को गंभीर चोटें आईं। जमीन पर गिरे कंचक को कुछ दूर रोशनी नजर आई। फिर उसे याद आया कि किसी संकट की स्थिति में रोबोट को शांत करने के लिए उसने एक रिमोट तैयार किया था। ये इसी रिमोट की ही रोशनी थी। उसने लपक कर वो रिमोट उठा लिया और रोबोट की सेटिंग को रिस्टोर करके उनको शांत कर दी। रोबोट्स ने आपस में लड़ना बंद कर दिया। कंचक ने फौरन उनकी गलत चिप को रिप्लेस कर दिया और रोबोट्स को ठीक कर दिया। फिर जल्द ही सरकार से अनुमति ले ली और गांव में रोबोट्स का उपयोग करने लगा। अब 3 रोबोट्स गांव में घूमते। अब उस गांव में कोई चोरी, आग की घटना या कचरा फैला हुआ नहीं दिखा। सभी गांव वालों ने कंचक का धन्यवाद किया। कंचक ने अपना काम जारी रखा और ऐसे कई दूसरे रोबोट बनाकर आम जनता की मदद करने लगा। हासिलपुर नाम का एक गांव था जहां पर अर्जुन नाम का एक आदमी अपनी बीवी के साथ रहता था। अर्जुन के पास एक मैजिकल जेसीबी था, पर अर्जुन उस जेसीबी का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए नहीं करता था, बस अपने मतलब को पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल करता था। एक बार एक आदमी अर्जुन के पास आता है और कहता है, अरे अर्जुन, सुना है कि तुम्हारे पास मैजिकल जेसीबी है। मैं इस गांव में गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल बनाना चाहता हूँ। स्कूल की जगह पर कुछ बड़े बड़े पत्थर हैं। क्या तुम उसे हटाने में मेरी मदद करोगे? अरे क्यों नहीं, यही तो मेरा काम है। 5 दिन में हो जाएगा काम। और हाँ,
एक दिन के 2,000 रुपए लगेंगे। अरे दो दिन के काम के लिए 5 दिन क्यों? और किराया भी बहुत ज्यादा बोल रहे हो, कुछ तो किराया कम करो, तुम्हें भी पुण्य मिलेगा। अरे काम करना है तो बोलो, और ये पुण्य मुण्य की बातें अपने घर पर रखो। मेरे पास है मेरा पुण्य, मैजिकल JCB। वो आदमी अर्जुन को बहुत समझाता है, पर अर्जुन उसकी बात नहीं सुनता। तब परेशान होकर अर्जुन अपने मैजिकल JCB रोबोट को उसे मेला दिखाने का कहता है। मैजिकल JCB रोबोट उस आदमी को उठा लेता है और वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो इस मैजिकल JCB रोबोट को रोको, ये मुझे मार डालेगा। इस तरह से वो चिल्लाते रहता है। अगर कोई उसकी मदद करने के लिए आता तो मैजिकल JCB रोबोट उसे भी मारने लगता। उस आदमी को वहां से भगाकर वो फिर से JCB में बदल गया। इस तरह से अगर कोई अर्जुन की बात नहीं सुनता तो वो उन्हें अपने मैजिकल JCB रोबोट से मजा चखाता है। वजह से सारे गांव वाले बहुत परेशान रहते हैं। एक बार की बात है कि गांव में बहुत तूफान आता है, उस वजह से गांव के सारे रास्ते पर बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं और लोगों को आने जाने में दिक्कत होने लगती है। तब गांव के लोग सरपंच के साथ अर्जुन से बात करने जाते हैं। तब सरपंच कहते हैं, रे अर्जुन तुझे तो पता है ना कि लोगों को कितनी परेशानी हो रही है आने जाने में। इस तूफान ने गांव के सारे पेड़ों को उखाड़ कर रास्ते पर रख दिया। मैं चाहता हूं तुम अपने मैजिकल JCB रोबोट से इन पेड़ों को वहां से हटा दो। हाँ हाँ सरपंच जी, जरूर करूंगा, लेकिन इस काम के 10,000 रुपए लूंगा। ये तो गांव का काम है ना, और इसके भी तुम्हें पैसे ही चाहिए। इतना लालच अच्छा नहीं है अर्जुन। अरे आप लोग भी ना, मुझे परेशान करने का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं छोड़ते। मेरे पास JCB रोबोट है तो चले आते हैं सारे मुंह उठा के। अरे अर्जुन तुम बहुत ज्यादा घमंड कर रहे हो, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तुम्हें कोई ना कोई सबक सिखाएगा। अरे तुम लोग समझने वाले हो या नहीं, या बुला लूं मैं अपने JCB रोबोट को, वो आकर तुम्हें सब सिखा देगा। अर्जुन के ऐसा कहते ही मैजिकल JCB रोबोट में बदल जाता है और वो उन लोगों को मारने लगता है। गांव के लोग बेचारे अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। उस दिन गांव के लोगों को JCB रोबोट से पिटते हुए इसी गांव का ही कपिल नाम का लड़का देख लेता है। अरे ये कैसा आदमी है जो अपने ही गांव के लोगों को मैजिकल JCB रोबोट से पिटवा रहा है, इससे तो सबक सिखाना पड़ेगा। कपिल गांव के लोगों से मिलता है और अर्जुन के बारे में सब जानकारी लेता है। तब कपिल एक रोबोट बनाने का सोचता है, जिसके लिए वो एक ट्रैक्टर को चुनता है। जल्द ही उस पर काम करके उसे रोबोट में बदल कर बीच रास्ते में रख देता है। उसी रास्ते से अर्जुन भी अपने मैजिकल JCB रोबोट से जा रहा था। ट्रैक्टर को बीच रास्ते में देखकर वो चिढ़ जाता है। अरे ये किसका ट्रैक्टर है जो बीच रास्ते में खड़ा है, जल्दी से इस ट्रैक्टर को बाजू कर दो वरना इसके टुकड़े कर दूंगा। अच्छा कैसे करोगे? अरे तुम गांव में नए आए हो शायद, इसीलिए तुम्हें पता नहीं है मेरे बारे में, अभी बताता हूँ। अर्जुन अपने मैजिकल JCB रोबोट को उस ट्रैक्टर पर हमला करने के लिए कहता है। मैजिकल JCB रोबोट हमला करने ही वाला होता है कि तभी वो ट्रैक्टर भी रोबोट में बदल जाता है और ट्रैक्टर रोबोट मैजिकल JCB रोबोट पर उल्टा हमला कर देता है। उन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है, कभी मैजिकल JCB रोबोट हमला करता तो कभी ट्रैक्टर रोबोट। पर इस बार ट्रैक्टर रोबोट की पावर ज्यादा रहती है। थोड़ी ही देर बाद वो मैजिकल JCB रोबोट को मार गिराता है। ये देखकर अर्जुन बहुत डर जाता है और कहता है, अरे अरे भाई तुम कौन हो वो तो पता नहीं, पर मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। देखो अर्जुन, अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो पूरे गांव वालों से माफी मांगो। इस तरह अर्जुन पूरे गांव वालों से माफी मांगता है और कपिल अपने ट्रैक्टर रोबोट को लेकर वहां से चला जाता है। उस दिन से अर्जुन सबसे अच्छे से बर्ताव करने लगता है। मैजिकल मून थीफ रोबोट। रात का समय था, तीन चोर चोरी करके भाग रहे थे। वो तीनों एक सुरक्षित जगह पर पहुंचते हैं। तब जय और शंकर दोनों मिलकर सूरज को डांटते रहते हैं। अरे सूरज तुम कैसे चोर हो, आज तुम्हारी वजह से हम पुलिस के हाथ आने ही वाले थे। चोरी करते वक्त डरते ही रहते हो हमेशा, तुम तो किसी चोरी के लायक नहीं हो, चोर के नाम पे धब्बा हो धब्बा। हाँ शंकर तुमने बिल्कुल ठीक कहा सूरज के बारे में, अगर ये हमारा दोस्त ना होता ना
तो कब का इसे छोड़ दिए होते। वैसे सूरज तुझे आता ही क्या है, जरा बता तो, पढ़ाई भी अच्छी नहीं की और ना ही इतने दिन हो गए कोई अच्छी सी चोरी की है। इस तरह से वो दोनों उसको डांट कर उसका मजाक उड़ाते हैं। बेचारा सूरज नाराज होकर अपने घर चला जाता है। सूरज कोई भी चोरी नहीं कर पाता था, पर हाँ वो इसी गांव की अंजलि नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। एक बार सूरज अंजलि से शादी के बारे में पूछ ही लेता है। अंजलि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ, मगर शादी मुझे सोचना होगा इस बारे में। अरे इसमें सोचने की क्या बात है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। एक तो तुम काम वाम कुछ करते नहीं, कुछ कमाते भी नहीं हो, शादी के बाद मुझे क्या खिलाओगे और क्या पिलाओगे, मेरी इच्छाएं कैसे पूरी करोगे तुम? अरे तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम एक बार बोल कर तो देखो। ठीक है, फिर मुझे आसमान का चांद ला कर दो, तब मैं तुमसे शादी करूंगी। अंजलि की ये बातें सुनकर सूरज सोच में डूब जाता है। वो बार बार इसी ख्याल में रहता है कि किस तरह से चांद को जमीन पर लाया जाए। फिर एक बार वो सोचता है, अरे ये क्या जिंदगी हुई मेरी, मेरे दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, अब ये अंजलि भी चांद की शर्त रख दी। मुझे किसी भी तरह अपने दोस्तों का और अंजलि का मुंह बंद करना होगा। एक काम करता हूँ, मैं अब चांद की ही चोरी कर लेता हूँ और चांद को ही अंजलि को गिफ्ट देता हूँ। इस तरह मेरे दोस्तों का और अंजलि का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यूं सोचकर सूरज चांद को चुराने की ठान लेता है। चांद को चुराने के लिए वो एक जायंट रोबोट बनाने की ठान लेता है। कुछ ही दिनों में सूरज एक जायंट रोबोट तैयार करता है। वो अमावस की रात रहती है। रात के समय में जय शंकर और अंजलि के सामने अपने जायंट रोबोट में सवार होकर आसमान में उड़ जाता है। और अगले दिन ही सूरज जायंट रोबोट पर सवार होकर आसमान से चांद को चुरा कर जमीन पर लाता है। ये सब जय और शंकर देखते ही रहते हैं। इसे देखकर अंजलि बहुत खुश हो जाती है और सूरज से कहती है, क्या सच में तुम मेरे लिए चांद लाए हो? वाओ, सच में तुम ही मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही सूरज बहुत ही खुश हो जाता है। तब जय ने कहा, अरे वाह यार, हम तो तुम्हें डरपोक और नकारा समझते थे, लेकिन तुमने तो चांद को ही चुरा लिया। चांद को चुरा कर तुमने साबित कर दिया कि तुम छुपे रुस्तम चोर हो। जैसे तैसे कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिन बाद चांद वापस आसमान पर दिखाई देने लगता है। तब सूरज के दोस्त जय और शंकर उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं, क्यों रे सूरज, तुमने तो चांद को चुरा कर जमीन पर लाया था ना, फिर ये दूसरा चांद आसमान में उगा कैसे? जय और शंकर की बात सुनकर सूरज ने कहा, अरे क्या है कि मैं अपने जायंट रोबोट की मदद से आसमान में गया और चांद चुरा कर वापस धरती में आ गया। इससे मैंने साबित कर दिया कि मैं नाकारा चोर नहीं हूँ, और इससे अंजलि भी बहुत खुश हो गई। मेरा तो काम हो गया था, लेकिन चांद की जरूरत हमसे ज्यादा धरती को है, इससे धरती का संतुलन बना रहता है, इसलिए मैंने चांद को वापस आसमान में रख दिया। अच्छा अच्छा, अब समझा। ऐसा कहते ही कुछ दिनों बाद सूरज की अंजलि के साथ शादी हो जाती है, और अब उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ाना बंद कर देते हैं। उसने तो जायंट रोबोट की मदद से आसमान में उड़ान भरी और एक नकली चांद बनाकर सबके सामने दूसरे दिन वापस आ गया। सूरज के बेवकूफ दोस्त उसके लाए हुए नकली चांद को ही असली समझ बैठे। अमावस की रात में तो कोई चांद उगता ही नहीं, इस बात का फायदा सूरज ने लिया और इन दोनों का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। इसका फायदा ये हुआ कि अंजलि के साथ उसकी शादी हो गई और इस तरह वो हमेशा के लिए हंसी खुशी से रहने लगे। पर दो साइंटिस्ट दोस्त जोसेफ और प्रकाश अपनी लैब में बहुत महीनों से एक रोबोट बनाने की तैयारी कर रहे थे। वो लोगों की भलाई के लिए रोबोट बनाना चाहते थे। रोबोट बनाते हुए जोसेफ से कुछ गड़बड़ हो गई और उनका रोबोट एक साधारण रोबोट बनने की जगह टर्मिनेटर रोबोट बन जाता है। टर्मिनेटर आरसी रोबोट उनकी लैब को तोड़ने लगता है और हर तरफ तबाही मचाने लगता है। जैसे तैसे करके जोसेफ और प्रकाश बचकर बाहर आते हैं और भागते भागते वो एक जंगल में चले जाते हैं और एक दूसरे को कहते हैं, ये हमने क्या कर दिया दोस्त, अब कैसे बचेंगे?
ये आरसी रोबोट सबको तबाह और खत्म कर देगा। अब क्या करें? टर्मिनेटर आरसी रोबोट लैब से निकलकर गांव में आता है और पूरे गांव में तबाही मचाने लगता है। वो आरसी रोबोट जहां जहां से गुजर रहा था वहां तबाही हो रही थी। आरसी रोबोट की तबाही को रोकने के लिए पुलिस वाले अपने टैंक और हेलीकॉप्टर लेकर वहां पर आए। पुलिस वालों ने टैंक और हेलीकॉप्टर से आरसी रोबोट पर गोले बरसाने शुरू कर दिए, लेकिन वो तो एक रोबोट था, वो इंसान तो था नहीं। उस रोबोट पर उस गोलेबारी का कोई असर नहीं और वो आगे बढ़कर पुलिस वालों के टैंक और हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है। इतने में पुलिस वालों ने एक हेलीकॉप्टर की मदद से एक मैजिकल केज लाकर रोबोट के ऊपर फेंक दिया। मैजिकल केज अपने आप बड़ा हो गया और आरसी रोबोट उसके अंदर ही कैद हो गया। तभी पुलिस कमिश्नर ने अपने एक ऑफिसर से कहा, हमारे पास बस 3 दिन का समय है, इसके बाद मैजिकल केज आरसी रोबोट को नहीं रोक पाएगा, हमें इससे पहले ही कुछ करना होगा। इधर जोसेफ और प्रकाश जंगल में डरे हुए बैठे थे कि तभी उन्हें एक कॉल आता है और पुलिस कमिश्नर कहता है, अब बताओ क्या करना है, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और वो सबको मार देगा, नॉन स्टॉपेबल है वो आरसी रोबोट। तब जोसेफ कहता है, हम कुछ रास्ता निकाल कर जल्दी आएंगे, फिकर मत कीजिए, ये बताइए कि कितना वक्त है हमारे पास। पुलिस कमिश्नर ने जवाब दिया, आपके पास 3 दिन का समय है। तब जोसेफ प्रकाश से पूछता है, प्रकाश तूने एक बार कॉलेज में कहा था ना कि तूने मैजिकल रोबोट बनाने का रास्ता निकाल लिया है, क्या तुम अब वो मैजिकल रोबोट बना पाओगे? प्रकाश ने जवाब दिया, हाँ भाई था तो सही, पर अब मैं वो नहीं बना सकता, वो सारे फार्मूले मुझे भूल चुके हैं, अब हम इस आरसी रोबोट को कैसे रोकेंगे। इतने में उन्हें कुछ ही दूर एक साधु बाबा तपस्या करते हुए दिखाई दिए। तभी वो दोनों भागते हुए साधु बाबा के पास गए और बाबा से कहा, बाबा हम बहुत परेशान हैं, हमारी मदद कीजिए। बोलो बच्चा क्या परेशानी है, तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? बाबा हम कॉलेज के दोस्त हैं, कुछ महीनों से हम दोनों मिलकर लोगों की भलाई के लिए रोबोट बना रहे थे, लेकिन उसके सिस्टम में कुछ गड़बड़ होने की वजह से वो एक टर्मिनेटर आरसी रोबोट बन गया और उसने पूरे गाँव में तबाही मचा दी है, कोई भी उस रोबोट को नहीं रोक पा रहा है, हमें इस आरसी रोबोट को रोकने के लिए कुछ उपाय बताइए। कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत करो, मैं अभी उस रोबोट को रोकने का उपाय करता हूँ। ये कहकर बाबा ने वहां पर एक मैजिकल बैम्बू जेसीबी रोबोट को प्रकट किया। तभी बाबा ने कहा, इस मैजिकल बैम्बू जेसीबी रोबोट को अपने गांव ले जाओ, ये सब कुछ संभाल लेगा। फिर वो दोनों मैजिकल बैम्बू जेसीबी रोबोट को लेकर गाँव आ गए। टर्मिनेटर आरसी रोबोट अभी भी गांव में तबाही मचा रहा था। तभी मैजिकल बैम्बू जेसीबी रोबोट ने आरसी रोबोट पर हमला कर दिया। दोनों रोबोट्स में भयंकर लड़ाई चालू हो गई। आरसी रोबोट बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसने मैजिकल बैम्बू जेसीबी रोबोट पर बहुत हमले किए, लेकिन जेसीबी रोबोट भी कुछ कम नहीं था।
काफी देर की भयंकर लड़ाई के बाद मैजिकल बैम्बू जेसीबी रोबोट ने आरसी रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया। आरसी रोबोट को डिस्ट्रॉय होता देखकर पुलिस कमिश्नर जोसेफ और प्रकाश बहुत खुश हुए। डायनासोर ट्रैक्टर रोबोट। एक गांव में शंकर नाम का एक ट्रैक्टर ड्राइवर रहता था। वो हर दिन दुकानों को अंडे सप्लाई करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन अंडे का सप्लाई करके घर लौट रहा था। जंगल के रास्ते में एक छोटा डायनासोर का बच्चा बिना हिले पड़ा रहता है। तभी इस डायनासोर को देखकर शंकर रुक गया। अरे ये तो डायनासोर का बच्चा है। अरे ओ रास्ते से हटो वरना ट्रैक्टर के नीचे आ जाओगे। इस तरह शंकर के बार बार कहने पर भी वो डायनासोर नहीं हिलता, तो शंकर डायनासोर को अपने ट्रैक्टर में डालकर घर ले आता है। अरे वाह कितने खूबसूरत हो, मैं तुम्हारा देखभाल करूंगा, मेरे पास ही रहना। ठीक है मैं यहीं रहूंगा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को ला कर दो। अच्छा अभी लेकर आता हूँ। शंकर घर में पड़ा सारा अनाज डायनासोर के आगे रख देता है तो वो झट से खा लेता है। ये खाना खाकर मेरा पेट नहीं भरा, मुझे और खाना चाहिए। क्या तुम कितने दिनों से भूखे हो? ठीक है मैं अभी और लेकर आता हूँ। फिर से खाना लाकर उसके आगे डालता है तो वो खा जाता है। बार बार खाना पूछने पर शंकर बेजार होकर कहता है, बाप रे तुम तो कुंभकर्ण से भी ज्यादा खा रहे हो, मेरे पास अब और कुछ नहीं बचा है। तुमने जो आहार दिया वो काफी नहीं है, और खाना ला कर दो। क्या और खाना? तुम मुझे खा जाओ। अच्छा ठीक है अभी खा जाऊंगा। अरे रे क्या मनुष्य को भी खाओगे? क्यों नहीं, मनुष्य को खाने में तो और ज्यादा मजा आएगा। थोड़ी ही देर में डायनासोर बहुत बड़ा हो गया। उसे बड़ा होते देखकर शंकर हैरान हो जाता है। अरे बाप रे सच में ये मुझे निगल जाएगा, कहकर डर के मारे कांपने लगता है। अरे यार ये डायनासोर इतना बड़ा कैसे हो गया? बाप रे ये तो कोई जादुई डायनासोर है, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। हा हा तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, डरो मत, अगर मेरे लिए खाना नहीं लाया तो तुम्हें सच में निगल जाऊंगा। तुरंत जाओ और ट्रैक्टर भरकर खाना लाओ। हाँ हाँ जैसा तुम कहो मैं वैसा ही करूंगा। फिर शंकर ट्रैक्टर लेकर जाता है। तब डायनासोर शंकर के आंगन में बंधे हुए जानवरों की ओर देखता है। जब तक ये वापस नहीं आएगा इन्हीं से काम चलाता हूँ, कहकर वहां खड़े सारे जानवरों को निगल जाता है। इतने में शंकर ट्रैक्टर भरकर खाना लाकर डायनासोर के आगे डाल देता है। आंगन में जानवर दिखाई ना देने पर शंकर कहता है, हाय रे तुमने जानवरों के साथ क्या किया? इन्हें खा लिया, हर दिन तुम्हें इसी तरह मेरे लिए खाना लेकर आना है वरना तुम्हारी खैर नहीं। अरे बाप रे तुम पे दया करके तुम्हें घर लेकर आया तो तुम मुझे ऐसी सजा दे रहे हो। फिर अपने मन में सोचता है, अरे यार ये कैसा राक्षस डायनासोर है, ये डायनासोर तो मनुष्य को भी खा जाएगा, मैं अब घर नहीं जाऊंगा वरना मुझे भी खा जाएगा। शंकर पड़ोस के गांव में चला गया। अगले दिन सुबह डायनासोर को बहुत भूख लगती है। काफी देर होने के बाद भी शंकर घर वापस ना आने पर डायनासोर को बहुत गुस्सा आता है। अरे बहुत भूख लगी है, लगता है शंकर नहीं आएगा और ना ही खाना लाएगा। फिर डायनासोर गुस्से से घरों को तोड़ते हुए जो भी मिला वो खाने लगा। डायनासोर को देखकर सारे गांव वाले इधर उधर दौड़ने लगे। थोड़ी देर बाद लौटने वाले शंकर को गांव के मुखिया ने रोका। क्यों रे शंकर, तुम्हारी अकल ठिकाने पर है या नहीं? ऐसे राक्षस डायनासोर का पालन क्यों कर रहे हो? इतना सब कुछ नाश कर दिया है, तुम्हें इस सब का भरपाई करना होगा। पता है किसी के पास एक दाना भी नहीं बचा है इस राक्षस डायनासोर की वजह से। मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानता था कि वो एक मैजिकल डायनासोर है। तुरंत ही इस डायनासोर को यहाँ से भगाओ वरना कल सुबह होते ही बचे खुचे घरों को नाश करके सब कुछ खा जाएगा। इसे भगाने का तरकीब मेरे पास है, आप चिंता मत करें। इस तरह शंकर अपने दोस्त मैकेनिकल इंजीनियर आकाश के पास जाकर सारा विषय उसे बताता है। तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं ट्रैक्टर को मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट में बदल देता हूँ, फिर इस डायनासोर का खेल खत्म। शंकर का दोस्त ट्रैक्टर को मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट में बदल देता है। दोस्त अब तुम आराम से उस डायनासोर का मुकाबला कर सकते हो।
ठीक है दोस्त, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। फिर शंकर ट्रैक्टर लेकर घर पहुंचता है। अगले दिन डायनासोर घरों को नाश करके सारा आहार खा रहा था कि तभी शंकर ट्रैक्टर लेकर वहां आया। तभी शंकर ने मैजिकल ट्रैक्टर को रोबोट में बदल दिया। तुरंत ही रोबोट डायनासोर पर हमला करता है। डायनासोर और रोबोट के दरमियान एक भयंकर लड़ाई होती है। काफी देर की भयंकर लड़ाई के बाद ट्रैक्टर रोबोट ने मैजिकल डायनासोर को नाश कर दिया। इस समय से गांव वाले बिना किसी डर के शांति से रहने लगे। अंडरग्राउंड गोल्डन ट्रैक्टर रेस्टोरेशन रोबोट। हर्षवर्धन नामी एक अमीर आदमी बेलापुर नाम के एक गांव में रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उसके पास इतना धन था कि उसकी आगे की 7 पीढ़ियां आराम से बैठकर खा सकती थीं। उसे बस एक ही बात का डर था कि कहीं कोई डाकू आकर उसकी संपत्ति लूट ना ले। तब वो एक दिन सोचता है, मेरा धन अगर ऐसा ही रहा तो एक ना एक दिन डाकू मेरा डाका डालकर सारा धन चुरा कर ले जाएंगे। मुझे किसी भी तरह इस धन को बचाना होगा, लेकिन क्या करूं और कैसे इस धन को छुपा कर रखूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस समय डाकुओं की बहुत ही दहशत थी। वो आए दिन डाका डालकर लोगों को लूटते रहते थे। इसलिए हर्षवर्धन बहुत ही सोच विचार करता है। तब उसे एक उपाय मिलता है। मैं अपने धन से एक गोल्डन ट्रैक्टर बनवाता हूँ, तब तो मेरा धन भी बच जाएगा और डाकुओं को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन कभी ना कभी डाकुओं को ये बात पता चल गई और उन्होंने मेरा गोल्डन ट्रैक्टर ही चुरा लिया तो बाप रे बाप, अब मैं क्या करूँ? हर्षवर्धन ये बात सोच सोच कर बहुत परेशान हो जाता है। बहुत सोचने के बाद एक दिन वो इस गोल्डन ट्रैक्टर को अपने ही खेत के नीचे अंडरग्राउंड में छुपा देता है। इसकी खबर उसके परिवार को भी नहीं रहती। उसका बेटा भी शहर जाकर रहने लगता है। धीरे धीरे हर्षवर्धन की हालत भी बेहाल होने लगती है और एक दिन उसकी हालत जैसे पहले ही थी, ठीक वैसे ही गरीबी वाली हो जाती है। और अब तक जैसे वो अमीर बनकर घूमता था, वो सब कुछ चला जाता है। एक दिन बुढ़ापे की वजह से वो मारा भी जाता है। उसके साथ साथ गोल्डन ट्रैक्टर का राज भी जमीन में दफन हो जाता है। ऐसे ही दिन चले जाते हैं। एक दिन उसका पोता राकेश गांव में आने का सोचता है। वो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मैं गांव जाना चाहता हूँ, वहां जाकर दादाजी की खेती बाड़ी फिर से करूँगा। उस गांव में अब कुछ भी नहीं बचा है बेटा, खेत तो बंजर बन गया है, तुम अपनी मेहनत क्यों बर्बाद करना चाहते हो? पिताजी राकेश को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन राकेश इनकी बात ना सुनते हुए गांव चला जाता है। उस गांव में उस वक्त अकाल पड़ा रहता है। तालाब और कुएं का पानी भी सूख गया था। राकेश खेत में कुआं बनवाने की सोचता है। उस वक्त खेत का एक पड़ोसी कहता है, बेटा तुम हर्षवर्धन के पोते हो ना, इस बंजर जमीन पर कुआं मत खोदो, यहाँ तुम्हें पानी नहीं मिलेगा बेटा। वैसे भी बारिश ना होने की वजह से पूरे गाँव में सूखा पड़ा। राकेश पड़ोसी की बात नहीं सुनता और शहर से एक रोबोट मंगवा कर कुआं खुदवाने लगता है। लेकिन फिर कुछ ही दिनों में अंडरग्राउंड में उसके हाथ कुछ लगता है। जब राकेश उसे देखता है तो सोचता है, अरे ये तो गोल्डन ट्रैक्टर है, मैंने सुना था कि मेरे दादाजी ने उसे बनाया था। अरे वाह, आखिरकार ये मिल ही गया, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। राकेश बहुत ही खुश होकर अपने रोबोट की मदद से उस गोल्डन ट्रैक्टर को अंडरग्राउंड से बाहर निकालता है। साथ में उसे कुछ और सोने के सिक्के भी मिलते हैं। वो इन सोने के सिक्कों को बेचकर कुछ पैसे जमा करता है। इतने साल अंडरग्राउंड रहने की वजह से गोल्डन ट्रैक्टर की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। इस वजह से वो इस गोल्डन ट्रैक्टर का रेस्टोरेशन करने की ठान लेता है। राकेश कुछ ही दिनों में अपने रोबोट की मदद से गोल्डन ट्रैक्टर का रेस्टोरेशन करवा लेता है और उसे बिल्कुल नए जैसा बनाता है। साथ ही साथ राकेश रोबोट की मदद से कुआं भी खुदवाता है और शहर से वाटर पंप लाकर अपने खेत का काम शुरू करता है। वो इसे एक तरह से अपने दादाजी का आशीर्वाद समझता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी,
अगर आपने गोल्डन ट्रैक्टर और सोने के सिक्के यहाँ गाड़ कर नहीं रखे होते तो शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाता। राकेश ऐसा सोचकर अपने दादाजी का धन्यवाद करता है और अपने खेत को पानी देने के साथ साथ गांव के बाकी लोगों को भी पानी की सप्लाई करता है, जिस वजह से सूखा पड़ने पर भी उसके गांव के खेत लहरा उठते हैं। अचानक रोबोट ने पूरे गांव में तबाही मचाना शुरू कर दी। फिर दोनों रोबोट्स में ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन आखिर रोबोट गांव में तबाही क्यों मचा रहा था और दोनों रोबोट्स आपस में क्यों लड़ रहे थे, आइए देखते हैं इस कहानी में। मैजिकल ब्रिक रोबोट वर्सेस क्ले रोबोट अटैक। एक गांव में गब्बर नाम का एक गुंडा गांव वालों से हफ्ता वसूली कर रहा था। उन गांव वालों में से एक आदमी ने उसे मना कर दिया। अरे ये सब हमारी मेहनत की कमाई है भाई, हम भला तुम्हें क्यों देंगे, मैं तुम्हें एक रुपया नहीं दूंगा। तुम्हें शायद मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है, हफ्ता तो तुझे देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें काम करने के लायक नहीं छोड़ूंगा। गब्बर के धमकाने के बाद भी वो शख्स गब्बर को पैसे नहीं देता। तभी गब्बर के आदमी गांव वाले को मारने लगे और उसका घर भी तोड़ दिया, जिससे सभी गांव वाले बहुत डर गए और अपने पैसे गब्बर को देने लगे। गब्बर हफ्ता वसूली करके आया और वो सोचने लगा, इस गांव वाले की इतनी हिम्मत, इसने मुझे पैसे देने से मना किया था, अगर ऐसा ही होता रहा तो धीरे धीरे मेरा खौफ लोगों में कम हो जाएगा, कुछ भी करके मेरा खौफ लोगों से कम नहीं होना चाहिए, इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। गब्बर ऐसा सोचता ही रहा, तभी इसे एक आइडिया आया और उसने एक ब्रिक्स रोबोट बनाने का सोचा। रोबोट बनाने के लिए उसने एक अच्छे से रोबोटिक इंजीनियर को बुलाया और उसे एक ब्रिक्स रोबोट बनाने के लिए कहा। अपनी जान बचाने के लिए रोबोटिक इंजीनियर ने गब्बर को एक ब्रिक्स रोबोट बना कर दिया। बस फिर क्या था, गब्बर अपने ब्रिक्स रोबोट से हफ्ता वसूली करने लगा और गांव में जाकर उसने लोगों से कहा, सुनो गांव वालों, आज के बाद मेरा ब्रिक्स रोबोट ही हफ्ता वसूली करने आएगा और आपको तो पता ही है कि ब्रिक्स रोबोट क्या क्या कर सकता है, इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। ऐसा कहकर गब्बर ने ब्रिक्स रोबोट को एक्टिवेट कर दिया और उसे एक घर को तोड़ने के लिए कहा। तुरंत ही रोबोट घर को तोड़ने लगा और उसने तबाही मचा दी। ये सब कुछ देखकर गांव वाले बहुत डर गए थे। तब गब्बर ने अपने ब्रिक्स रोबोट को रोका और कहा, देख लिया, जरा भी ना करोगे तो ये रोबोट रुकने वालों में से नहीं है, तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देगा मार मार के, समझे। उस दिन से सारे लोगों के मन में ब्रिक्स रोबोट का डर बैठ गया था। गब्बर उस ब्रिक्स रोबोट का इस्तेमाल गांव वालों को डराने के लिए भी करने लगा, जिस वजह से सभी लोग डर डर कर जीने लगे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उस गब्बर का क्या किया जाए। तभी इस गांव का रहने वाला मोंटी नाम का लड़का शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसे गब्बर और उसके ब्रिक्स रोबोट के बारे में सब पता चल गया। मुझे मेरे गांव वालों के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा और किसी भी तरह गब्बर और उसके ब्रिक्स रोबोट को रोकना होगा। तुरंत ऐसा सोचकर अपना खुद का रोबोट बनाना शुरू कर दिया और दिन रात मेहनत करके एक पावरफुल क्ले रोबोट बनाया और रोबोट को लेकर गांव में आया। उस दिन भी गब्बर अपने ब्रिक्स रोबोट से गांव वालों से हफ्ता वसूली कर रहा था। तभी मोंटी गब्बर को ललकारने लगा, बेचारे गरीब लोगों को डराकर उनको लूट रहे हो, अगर इतनी ही हिम्मत है तो मेरे इस क्ले रोबोट का सामना करके दिखाओ, तभी मैं तुम्हें मानूंगा। अबे लेकिन तू है कौन जो मुझे ललकार रहा है, क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता बे, तुम्हें अगर इतना ही मरने का शौक है तो आजा, अभी दिखा दूंगा कि किसका रोबोट पावरफुल है। मोंटी ने बड़ी हिम्मत करके गब्बर की बात मान ली। फिर मैजिकल ब्रिक्स रोबोट और क्ले रोबोट में फाइटिंग शुरू हो गई। दोनों ही रोबोट्स एक दूसरे पर बराबर अटैक करना शुरू कर दिए। गब्बर का मैजिकल ब्रिक्स रोबोट बहुत ही पावरफुल था, उसने क्ले रोबोट पर हमला किया और उसे मारने लगा। लेकिन मार मार कर वो थोड़ा कमज़ोर हो गया,
तभी क्ले रोबोट ब्रिक्स रोबोट को मारने लगा। थोड़ी ही देर में क्ले रोबोट ने ब्रिक्स रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सब देखकर गब्बर वहां से भागने लगा, लेकिन तभी उसे और उसके आदमियों को गांव वालों ने पकड़ लिया और खूब पीटने लगे। इस तरह सब गांव वालों ने मोंटी का शुक्रिया अदा किया। इस तरह मोंटी के क्ले रोबोट ने गांव वालों को गब्बर और उसके ब्रिक्स रोबोट से छुटकारा दिलाया। सुपर कार रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो गई और रोबोट कुछ हुंडों को इलेक्ट्रिक शॉक देने लगा। लेकिन आखिर सुपर कार रोबोट में कैसे ट्रांसफॉर्म हुई और रोबोट हुंडों को इलेक्ट्रिक शॉक क्यों दे रहा था, आइए इस कहानी में देखते हैं। रिमोट कंट्रोल सुपर कार रोबोट। राजू एक इंजीनियर था और वो कभी भी सुस्त नहीं बैठता था, कुछ ना कुछ करता ही रहता। राजू काफी एक्सपेरिमेंटल था और गाड़ियों पर नए नए एक्सपेरिमेंट करने का जुनून उस पर सवार था। उसकी फेवरेट थी उसकी लेम्बोर्गिनी कार, जहां देखो वहां उसे अपने साथ ले जाता। पता नहीं ऐसा क्या था उस कार में जो किसी को उसे हाथ भी नहीं लगाने देता। एक दिन उसके दोस्त रोहित ने कहा, अरे यार तुझे पता है आजकल शहर में कितनी लूट मार मची है, एक गैंग बड़े बड़े मॉल्स और शॉप्स को लूट रहा है, ये पुलिस कुछ करती क्यों नहीं यार? रोहित, हम हर बार पुलिस की तरफ ही क्यों देखते हैं, क्या हमारा अपने शहर के प्रति कोई फर्ज नहीं? काश यहाँ अपने यहाँ भी बैटमैन या स्पाइडरमैन जैसा कोई सुपर हीरो होता तो वो चुटकियों में सब विलन्स की धुलाई करता। अगले दिन राजू को किसी ने फोन पर बताया कि वही गैंग किसी शॉप में लूट मार कर रहा था। वो तुरंत अपनी लेबोर्गिनी लेकर इसी शॉप की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वो लुटेरे शॉप लूट कर वहां से बाहर निकले, एक बड़े से रोबोट ने इनका रास्ता रोक लिया। लुटेरों के पास बंदूकें थी जो उन्होंने मूर्खतावश इस रोबोट पर चला दी, पर वो तो रोबोट था, कोई खिलौना या इंसान नहीं। उन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ, उल्टा उस रोबोट ने एक लुटेरे को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। ये नजारा देखकर एक लुटेरा वहां से डरकर भाग गया और बाकी दो लुटेरों को रोबोट ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ऑफिसर उस रोबोट से कुछ कह पाते इससे पहले रोबोट खुद ही बोल पड़ा, मेरे प्यारे दोस्तों, आज से तुम्हारा ये दोस्त हमेशा तुम्हारी रक्षा के लिए यहां पर आएगा, पर हाँ तुम सबको भी बुराई के खिलाफ लड़ना है, किसी पे डिपेंड मत रहो, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर रोबोट वहां से चला गया और एक सुनसान जगह पर जाकर लेम्बोर्गिनी कार में चेंज हो गया। जी हाँ, ये राजू ही था जिसने सुपर हीरो को ध्यान में रखते हुए अपनी लेम्बोर्गिनी को एक सुपर रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर लिया था, पर उसने ये बात सबसे छुपा कर रखी थी। चलो मेरा एक्सपेरिमेंट, मेरी सुपर लेम्बोर्गिनी कार का रोबोट में ट्रांसफॉर्मेशन तो सक्सेसफुल रहा, अब देखते हैं ये रोबोट क्या क्या कमाल दिखा सकता है। अब जब भी शहर में कोई बुरी घटना घटती तो राजू वहां पर तुरंत पहुंच जाता और सुपर कार रोबोट बनकर दुश्मनों का सफाया करती थी। ऐसा ही एक बड़ा हादसा शहर में हुआ। जिन लुटेरों को रोबोट ने पकड़ा था, इन्हें छुड़ाने के लिए उनके साथियों ने एक छोटी बच्ची को किडनैप कर लिया और बाद में उन लुटेरों को एक महंगी कार में रिहा करने की मांग की। यह सुनते ही राजू पुलिस अफसर के पास पहुंचा और कहा, ऑफिसर आप मेरी कार में उन लुटेरों को भेज दीजिए और बच्चों को छुड़वा लीजिए, बाकी सब सुपर रोबोट संभाल लेगा। राजू की बात मानकर ऑफिसर ने ऐसा ही किया। आजाद किए हुए लुटेरे अपने साथियों के पास पहुंचे और अपने साथियों को सेफ देखकर बाकी लुटेरों ने बच्ची को रिहा कर दिया। तभी वहां खड़ा राजू अपने हाथ में लिया रिमोट कंट्रोल ऑपरेट करने लगा, जिससे कार तुरंत रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो गई। राजू ने रिमोट कंट्रोल से रोबोट से इन लुटेरों पर अटैक करवाया। पलक झपकते ही रोबोट इन लुटेरों पर बिजली बरसाने लगा और उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देकर अधमरा कर दिया। ये सब देखकर पास खड़ी पुलिस ने तुरंत सबको पकड़ लिया। तभी राजू ने कहा, नाइस जॉब रोबो, चलो अब फिर से कार बनने का टाइम आ गया, ये दबाया मैंने बटन।
रिमोट का बटन दबाते ही रोबोट राजू के पास आकर रुक गया। राजू उसे फिर से कार बनाता उससे पहले ही अचानक इन गुंडों में से एक पुलिस से बचकर राजू तक पहुंच गया और राजू के हाथ से रिमोट कंट्रोल छीन लिया। तुम्हारी वजह से ही मेरे साथी पकड़े गए। अब देखो तुम्हारे रोबोट की मदद से कैसे मैं उन्हें छुड़वाता हूँ, और इस रोबोट की मदद से हम आगे भी कई शहरों में आतंक फैलाएंगे, सारे देश का नक्शा ही बदल देंगे। अगर बदलना ही है तो मेरे घर के टीवी का चैनल बदलो ना यार। क्या कहा, कहीं तुम्हारे दिमाग पर असर तो नहीं हो गया? अरे नहीं, पर अब तुम्हारे दिमाग पर जरूर होगा। एक राज की बात बताऊं, तूने जो रिमोट मुझसे छीना है वो मेरे घर के टीवी का है। राजू की बात सुनकर लुटेरे ने रिमोट के सारे बटन दबाए पर रोबोट पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ और वो जैसा था वैसा ही खड़ा रहा। इस बात पर गुस्से में आकर लुटेरे ने रिमोट को फेंक दिया और राजू पर हमला कर दिया। तभी राजू ने वही रिमोट उठाकर अपने रोबोट को ऑपरेट किया और रोबोट ने पलक झपकते ही उस लुटेरे को पकड़ लिया। ओए बेवकूफ, ये रोबोट का ही रिमोट है, बस ये मेरे ही फिंगरप्रिंट स्कैन करने के बाद चलता है, किसी और के हाथों से नहीं। ऑफिसर, आप इन सब को ले जाएं और जेल में डाल दें। तभी लुटेरों को पुलिस के हवाले करके राजू रोबोट को फिर से लेम्बोर्गिनी बनाकर वहां से चला गया।